गोवर्धन। हाँ बताओ। बल्लभगढ़ में बनाए गए आज। हाँ बहुत अच्छे तरीके से पहली बार बल्लभगढ़ में बनाए यार। मैं इतना बेवकूफ सोच सकते हो, थोड़ा सा मेरे बाई चांस हो गया था। कैसे आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन है तो आज पूरी सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करेंगे आपको सब दिखाएंगे। शाम को पूजा होती है हमारे घर में, वो हम दिखाएंगे। गोवर्धन बनाते हैं हम घर में ही। और आज सुनने में आया है कि मतलब बता रहे हैं लोग बाग कि दशहरा ग्राउंड, अपने जो दशहरा ग्राउंड है बल्लभगढ़ फरीदाबाद का, वहाँ पे एक बहुत बड़ा गोवर्धन बनाया गया है, लगभग 120 फुट के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ जाके भी उसे देखते हैं सुबह सुबह। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, मजा बहुत आएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर। Let's get started. Guys, गोवर्धन। हाँ बताओ। बल्लभगढ़ में बनाए गए हैं आज। हाँ बहुत अच्छी तरीके से पहली बार बल्लभगढ़ में बनाए यार। करिए हमारे पैर से पकड़े थोड़े थोड़े से, कोई नई चीज देखने को मिली आज। और ये देख गोवर्धन हाथ में उठाया हुआ है, गोवर्धन जो है। अरे गोवर्धन बने वो पर्वत है। गाइस हम बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड में आ गए हैं। ये सबसे बड़ा गोवर्धन बनाया गया है बल्लभगढ़ के लिए। अरे गोवर्धन की कर ले पूजा, गोवर्धन की कर ले, अरे गोवर्धन की कर ले पूजा, गोवर्धन की कर ले, अरे तेरा सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। हमारी एक्चुअली कार है, आपको पता ही है। इस एक्चुअली कार में मेरी बेवकूफ़ी के कारण मैंने इसको बहुत सारे स्क्रैचेस दे दिए, टेप के निशान लगे हुए थे इसमें, तो मैंने टेप रब करने के लिए जूने से इसे साफ कर दिया, धो दिया। मैं इतना बेवकूफ़ सोच सकते हो, थोड़ा सा मेरे बाई चांस हो गया था, क्योंकि मेरे पास जो जूना था ना, एक तरफ स्पॉन्ज था, मेरे को करना तो स्पॉन्ज था, पर जहाँ से हो नहीं रहा था तो मैंने ग्रीन वाला उसमें इस्तेमाल कर दिया। तो लगभग 8-10 जगह से हमारे स्क्रैचेस पड़ गए थोड़े से, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो स्क्रैच कैसे और वो जाएंगे कैसे जो मैं कर रहा हूँ। गाड़ी है ऐसे, ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है जितना हमें करा है। ये देखो आपको स्क्रैच दिखाता हूँ, ये रहा गाइस, ये रहा स्क्रैचेस, आपको थोड़े कम दिख रहे होंगे, ये रहा। तो गाइस जिससे हम इसे सही कर रहे हैं, जिससे हम स्क्रैच रिमूव कर रहे हैं, ये हमने 3M का फर्स्ट है फिनिशिंग कंपाउंड लेके आए थे। फर्स्ट है फिनिशिंग कंपाउंड 3M वालों का है, वाइट क्रीम होती है इसमें। तो ये लगभग 180 रुपये का बल्लभगढ़ फरीदाबाद मार्केट में हमें मिल गया गाइस। वैसे इस पर MRP 235 है इस समय, आपके यहाँ कितना कुछ रेट होंगे आप भी ले लेना। वैसे तो सस्ती है जिस हिसाब से स्क्रैच रिमूव कर लिए, पर थोड़ी मेहनत है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करनी है। सबसे पहले हमें थोड़ी सी क्रीम लेनी है, जहाँ हमें स्क्रब इस्तेमाल करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ इस्तेमाल करनी है। मैंने इसको यहाँ पर लगाया और बस गाइस इसे रब करना है, रब करे चले जाना है। गाइज हाथ से रब कर सकते हो आप, इसे फॉर्म से रब कर सकते हो, कोई सूती कपड़े से रब कर सकते हो गाइज, पर मुझे तो हाथ से अच्छा लगा, मैं तो हाथ से कर रहा हूँ इसे। और पहली गाइज अगर आपके ज़्यादा वो हैं डीप स्क्रैचेस, मतलब पेंट तक पहुँच गया है, तो उसमें कोई काम नहीं आएगा गाइज, ये मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपके पैसे बेच जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको बस आपको रेगुलर करते जाना है, ये एक बार एक समय ऐसा आएगा ये गायब होने लगेगी, उस समय आप फिर इसमें कपड़े से इसे साफ कर सकते हो। करते जाओ। तो गाइस ये साफ होने लगी अब, और ये हमारा स्क्रैच भी रिमूव कर देगी गाइस। और एक बारी में ये होता भी नहीं, कम से कम 2-3 बार लगता है अब हम इसे कपड़ा लगाते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, स्क्रैच एक बारी में हमारा रिमूव हो गया काफ़ी हद तक। आपको कम दिख रहा होगा, वैसे हमें पता लग रही है कि इसमें स्क्रैच काफ़ी हद तक रिमूव हो गया गाइस। और
नहीं तो 2-3 बार अप्लाई करना पड़ता है जब जाके स्क्रैच रिमूव होता है। तो गाइज हमारी पूजा का समय हो गया है, हम पूजा करते हैं गोवर्धन की पूजा। बोल गोवर्धन महाराज की जय। चल छोड़ दिया तुझे मैंने।